नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, आज हम गूगल फॉर्म की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म का यूज करके और अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम हंसराज कुमावत है और आज हम जो है गूगल फॉर्म की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इस सीरीज में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज जो है हम एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे। उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन बेस्ड गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। उसके आगे हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम गूगल शीट यूजिंग एडोन। तो एक एडोन की मदद से हम गूगल शीट में जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी ड्रॉप डाउन हम बनाएंगे, वो हम डायरेक्ट गूगल फॉर्म में ले आएंगे। ड्रॉप डाउन में हमें मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से ये चीज हम बिना एड ऑन के लाए तो हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट से हम कैसे गूगल फॉर्म में लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक गूगल फॉर्म भरे और सामने वाले को जो है एक नोटिफिकेशन चला जाएगी आपके लिए ये गूगल फॉर्म भरा गया है, आपको ये काम करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉर्म से किस तरीके से कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक लीव एप्लीकेशन का पूरा एक सिस्टम कैसे बनाएंगे कि हमने लीव एप्लीकेशन हमें अगर लेनी है तो हमने गूगल फॉर्म भरेंगे, वो सामने वाले को अपने एचओडी को वो नोटिफिकेशन चल जाएगा कि इसने जो है लीव के लिए अप्लाई किया है, वो वहां से अप्रूव करेंगे और वो वहां से सीधा एचआर के पास चला जाएगा, एचआर उसको अप्रूव कर देगा और आपकी लीव जो है सैंक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके के पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ हम गूगल फॉर्म को यूज करके और एडोन को यूज करके बनाने वाले हैं। इसमें कोई स्क्रिप्ट यूज में नहीं लेने वाले अपन। उसके बाद में अपने को कोई टेम्पलेट बनाना है और सामने वाले को मेल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें कोई परचेज ऑर्डर बनाना है तो परचेज ऑर्डर भी आप जो है सिंपल गूगल फॉर्म भरोगे, उसमें आइटम का नाम, पार्टी का नाम और जो भी क्वांटिटी रेट वगैरह जो भी भरना है वो आप सीधा गूगल फॉर्म में भरोगे। उसका जो है जो भी आपका टेम्पलेट है परचेज ऑर्डर का वो उसमें डेटा परचेज ऑर्डर में चला जाएगा और वो सीधा जो है पीडीएफ बन के वो सामने पार्टी को या जो परचेज वाला बंदा है उसको आप इस तरीके से डायरेक्ट गूगल फॉर्म की मदद से ही ये चीज कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा यूज इसका अपॉइंटमेंट लेटर में ले सकते हो, आप वेलकम लेटर में ले सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर में ले सकते हो, कहीं पे भी इसको यूज में ले सकते हो। तो ये कंसेप्ट जो है मैं आपको सातवें वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आप क्या सीखोगे, डायरेक्ट ईमेल हो जाएगा कस्टमर को। गूगल फॉर्म आप सबमिट करोगे तो डायरेक्ट जो है ईमेल हो जाएगा गूगल स्क्रिप्ट की मदद से। तो ये भी जो है हम इसको आठवें वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद में नौवें वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म आप भरोगे वो सामने वाले को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये आप किस तरीके से करोगे वो आपको अगले नौवें वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से हमें अगर किसी को अटैचमेंट भेजना है, मैसेज के साथ में कोई अटैचमेंट भेजना है, तो वो भी आप किस तरीके से करोगे वो मैं आपको दसवें वीडियो में बताऊंगा। तो ये व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आप बिना स्क्रिप्ट के और बिना पैसा इन्वेस्ट किए भी कर सकते हो, और जो है अगर आपको स्क्रिप्ट लेनी है तो स्क्रिप्ट की मदद से भी आप ये कर सकते हो। तो मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा कि स्क्रिप्ट से कैसे करेंगे और मैनुअल कैसे करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म की जो है अपने 10 वीडियो आने वाले हैं। तो इस सीरीज का जो है आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा। उसके बाद में क्या क्या अगली सीरीज आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हम गूगल शीट ऑटोमेशन की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एफएमएस कैसे बनाते हैं, चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, इन्वेंटरी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सीट कैसे बनाएंगे, परचेज ऑर्डर ऑटोमेशन, लीव एप्लीकेशन ऑटोमेशन, सब कुछ किस तरीके से अपन ऑटोमेशन कर सकते हैं गूगल शीट गूगल फॉर्म की मदद से, वो सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको गूगल स्क्रिप्ट जो है किस तरीके से हम गूगल स्क्रिप्ट लिखे, किस तरीके से गूगल स्क्रिप्ट को हम यूज में ले, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अपने सारी सीटें अपन ने बना ली, ये सारे गूगल फॉर्म अपन ने बना लिए, लेकिन अब इनको सबको एक जगह कैसे काम में ले। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा ईआरपी सिस्टम बनाना सिखाऊंगा, उसमें पूरी गूगल स्क्रिप्ट यूज में आएगी और आपका जो भी गूगल फॉर्म गूगल शीट जो भी है वो सारा हम उस ईआरपी सिस्टम के अंदर डाल देंगे। तो सिर्फ यूजर जो है एम्प्लॉय सिर्फ लॉग इन करेगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड और सीधा वो अपने पोर्टल पे चल जाएगा, उस पोर्टल पे उसको उसका सारा डेटा मिल जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप अपनी कंपनी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप जो है गूगल ऐप की मदद से जो है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशन अपने बिजनेस के लिए बना दोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो मैं आगे आपको एचटीएमएल फॉर्म भी बनाना सिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम पूरा अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जा सकते हैं और अपनी जो है स्किल को भी अपन डेवलप कर सकते हैं। तो आज जो है हम सिंपल गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल ड्राइव में आ जाना है। गूगल ड्राइव में जैसे मैं गूगल ड्राइव में आ गया, यहाँ मैंने मैंने यूट्यूब चैनल के नाम से एक फोल्डर बना लिया और मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म की सीरीज का एक फोल्डर बना रखा है। सो अब मेरे को यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाना है। मैं न्यू करूंगा और गूगल फॉर्म पे क्रिएट करूंगा। तो ये गूगल फॉर्म खुल गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे रेजोल्यूशन। तो ये मैंने गूगल फॉर्म खोल लिया। आपको इस गूगल फॉर्म का नाम देना है, वो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लो मेरे को इस गूगल फॉर्म का जो नाम देना है वो मेरे को देना है एम्प्लॉय डिटेल। एक मिनट। तो मैंने ये गूगल फॉर्म का ये नाम दिया है, ये नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन क्या देना है, मैंने देना है कि नाम। सबसे पहले वो अपना नाम भरेगा। यहाँ पे आप इसको दे सकते हो कि ये शॉर्ट आंसर में भरेगा, पैराग्राफ में भरेगा। तो ये सारी चीजें आगे अभी आने वाली हैं आगे। सो मैंने लिखा शॉर्ट आंसर। उसके बाद में आपको प्लस करना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो आगे का जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा उसका फादर्स नेम, वो भी शॉर्ट आंसर में आएगा। इसको आप मैंडेटरी करना है, यहाँ से आप मैंडेटरी कर सकते हो फील्ड को कि ये भरना कंपलसरी है, और अगर मैंडेटरी नहीं रखना है तो मैंडेटरी आप हटा कर सकते हो। सो ये दो क्वेश्चन मैंने बना दी। तीसरा क्वेश्चन मैंने बनाया डेट ऑफ बर्थ का। सो डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से ऑटोमेटिक ये इसने चूज कर लिया कि डेट यहाँ से लेनी है, तो ये डेट का ऑप्शन यहाँ आ गया। तो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे को लेना है उसका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ गया। आप परमानेंट एड्रेस को पैराग्राफ में ऑटो सजेस्ट कर दिया, अगर वो नहीं करता है तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये परमानेंट एड्रेस हो गया। आपको अगर मैंडेटरी करना है मैंडेटरी कर सकते हो। जो चीज आपको मैंडेटरी नहीं रखनी है वो आप मैंडेटरी हटा भी सकते हो। सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे मैं प्लस करूंगा और यहां मेरे को करना है प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन लेना है मोबाइल नंबर का। वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा। उसके बाद में आपको प्लस करना है। आगे जो है आपको ईमेल आईडी लेनी है। तो ईमेल आईडी लगी। आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, इसको डिलीट कर, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो कोई क्वेश्चन। ये ईमेल आईडी वाला है, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देना। ईमेल आईडी और ये शॉर्ट आंसर, ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ दो। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या लेना है अपने को, मैरिटल स्टेट, मैरिटल स्टेटस। अब इसके अंदर जो है आप चाहो तो ड्रॉप डाउन बना सकते हो, और अगर इसको सिर्फ वैसा रखना चाहते हो कि वो शॉर्ट आंसर में भी डाले तो शॉर्ट आंसर में भी रख सकते हो। उसके बाद में आगे अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा एजुकेशन। वही आप इसको भी शॉर्ट आंसर में रख दो, और अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉप डाउन में आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन ले सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने दे दिया 10th 12th, या आपने दे दिया बीटेक, डिप्लोमा, आई
आईटीआई, तो इस तरीके से आप और भी अदर दे सकते हो। तो ये आ गया आपका, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको देना है मान लो टोटल एक्सपीरियंस। टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो शॉर्ट आंसर में लिख देगा यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इसको आपको देना है कि वो सिर्फ नंबर से डाल सके और जो है वो टेक्स्ट न डाले, तो इसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। इस पे जाओगे, रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे जाओगे और नंबर, और यहाँ आप डालोगे नंबर इज नंबर, सो वो सिर्फ ओनली नंबर अलग, तो सिर्फ वो नंबर ही भर पाएगा यहाँ, वो सिर्फ फाइव ईयर नहीं लिख पाएगा, सिर्फ फाइव ही लिख पाएगा। ये हो गया एक्सपीरियंस, हो गया टोटल एक्सपीरियंस। और आपको और इसमें ऐड करना है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर, ठीक है। और ऐड करना है आपको इसमें तो आधार कार्ड की फोटो भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको मान लो ये लेना है पैन कार्ड नंबर लेना है, और क्या लेना है आपको, फोटो लेनी है आपको उसकी खुद की फोटो। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए। अब ये फोटो जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जाओगे फाइल अपलोड में, जो भी फाइल इसका फोटो का जो भी ऑप्शन रहेगा वो फाइल अपलोड में आएगा। फाइल अपलोड में ये आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर आपको वो स्पेसिफिक फॉर्मेट ही फिक्स करना है तो आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएंगे कि आपको पीडीएफ में फोटो लेनी है, इमेज में लेनी है, प्रेजेंटेशन में लेनी है, क्या क्या लेनी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो किसी भी फॉर्मेट में डाले फोटो आ जाए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, सारे फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल है। आप चाहते हो उसकी कि वो मैक्सिमम कितनी फोटो अपलोड कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक ही फोटो अपलोड करे। आप चाहते हो पांच कर सकता है तो पांच की, दस की, यहाँ पे दस तक की लिमिट है कि एक बार में वो दस फोटो अपलोड कर देगा इस क्वेश्चन पे। मैक्सिमम आपकी फोटो साइज क्या रखनी है, तो वो मैंने रख दिया कि 1 MB की साइज है मान लो, तो 10 MB की साइज रख दो, 100 MB तक की फाइल वो अपलोड कर सके। तो यहाँ से रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड आप कर सकते हो। कोई डिलीट करना है आपको, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसी की सेम डुप्लीकेट कॉपी नीचे क्वेश्चन बनाना है तो ये डुप्लीकेट भी बन जाएगा। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, ये दो कॉपी बन गई इसकी। अब मेरे को इसमें एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, और मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं सीधा यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। सो ये हो गया। सो ये मैंने सिंपल एक गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि ये गूगल फॉर्म बनना सबके लिए अनिवार्य है, जो भी आपको लिखना है इसके अंदर। आप यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ डिस्क्रिप्शन करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। या आप हिंदी में लिख सकते हो कि टाइप योर नेम, जैसे मैं तो हिंदी, मेरे को टाइप करना नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में बताता हूँ, टाइप योर नेम, तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अपना नाम यहाँ पे लिखे। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर। फादर्स नेम में डालना है तो यहाँ पे जाओगे आप, वही डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो। सो अब अपन ने गूगल फॉर्म बना लिया, अब अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा। सो उसके लिए मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये हमारा गूगल फॉर्म बन गया, ये ओके कर देता हूँ उसको। सो ये इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की लॉगिन की जरूरत पड़ती है। तो ईमेल आईडी आजकल हर किसी के पास होती है, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के व्हाट्सअप चलता नहीं है, और व्हाट्सअप आजकल हर कोई चला रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ईमेल आईडी तो सबके पास है, ठीक है। ये हमारे चैनल की ईमेल आईडी है, आपको हमसे संपर्क करना है, आप इस ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो मैं अब इसको आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा। सो इस तरीके से ये दिखेगा। अब इसको हम भर लेते हैं एक बार। ये इसमें देखो आधार कार्ड फोटो में ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं इसको वापस बंद कर दूंगा, ये मेरा एडिटेबल है, एडिटेबल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये गड़बड़ आ रही है फोटो, यहाँ पे जो है इसको अपन सही करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे यहाँ, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं जाता हूँ प्रीव्यू पे। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो स्टार मार्क है वो मैंने मैंडेटरी रखा है,
बाकी मैंने मैंडेटरी जो है जहाँ नहीं रखा वहाँ कोई स्टार मार्क नहीं आएगा, यहाँ मैंडेटरी मैंने नहीं रखा। सो मैंडेटरी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं सिर्फ आपको डेमो भर के दिखाऊंगा, इसलिए मैंने दो चार फील्ड ही मैंडेटरी रखे, बाकी जो है मैंने मैंडेटरी नहीं रखे। सो जैसे अपन इसको एक बार भर लेते हैं और इसका रेस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है वो अपन देखते हैं। तो मैं इसको आपको भर के बता देता हूँ कैसे आप भरोगे। तो मैंने ये डेटा डाल दी, कोई भी यहाँ मैंने डाल दिया एड्रेस, यहाँ मैंने डाल दिया ये एड्रेस, या मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए, या मैं ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो मैं नहीं भरूंगा, और अगर भरनी है तो मैं भर सकता हूं। मैरिटल स्टेट मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। एजुकेशन, एजुकेशन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बीटेक। टोटल एक्सपीरियंस में मैं डाल देता हूँ 10 ईयर्स। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं ईयर नहीं लिख पाऊंगा, तो ये देखो ये एरर दे दिया इसने, ओनली नंबर्स अलाउ, तो सिर्फ नंबर्स ही अलाउ। तो ये मैंने आपको बता दिया। आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ डाल देता हूँ। फोटो यहाँ मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड जो है पैन कार्ड भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे सेल्फी, तो मैं एक फोटो आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउज पे गया और यहाँ मैंने एक फोटो पिक्चर में डाल रखी थी हमारे चैनल की, तो मैं आपको लगा के ये दिखा देता हूँ। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सो ये सबमिट हो गया, आप ये सबमिट हो गया, योर रेस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड। अब ये रेस्पॉन्स रिकॉर्डेड तो हो गया, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ पे वो देखना है। सो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पहले क्वेश्चन था, ये एडिटेबल है, ये रेस्पॉन्स है इसमें 1 आ गया, मतलब हमने एक रेस्पॉन्स यहाँ भर दिए। जितने फॉर्म भरेंगे यहाँ नंबर्स आते जाएंगे। तो मैं रेस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा, ये जो मैंने भरा है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ अभी एक फॉर्म है, जब 100 200 फॉर्म भरेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हमें तो इसके लिए एक शीट चाहिए जहाँ पे हम सारा कुछ देख सके। तो यहाँ आपको एक शीट का लिंक दिख रहा है, देखो क्रिएट स्प्रेड शीट, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि किसी एग्जिस्टिंग में आपको डालना है या कोई नई क्रिएट करनी है, तो मैं तो नई क्रिएट करना चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग मेरे पास कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले से कोई स्प्रीड शीट चल रही है, आप चाहते हो कि इसका रेस्पॉन्स जो है उसी शीट के आगे अलग से टैब बन के वहां पे इंसर्ट हो जाए, वो भी आप कर सकते हो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं नई स्प्रीड शीट जनरेट करूँ, उसका नाम मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, अगर आपको करना है यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। मैं कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं एज इट इज इसको क्रिएट कर लूंगा। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया। तो ये जो है स्प्रेडशीट खुल गई, ये आपको कहाँ मिलेगी स्प्रेडशीट, ये आपको यही मिल जाएगी, ये अपन ने फोल्डर बनाया था, यहाँ अपन ने ये गूगल फॉर्म बनाया, ये गूगल फॉर्म, इसके अंदर आपको सारी फोटोएं मिलेगी और यहाँ आपको गूगल शीट मिलेगी। तो फोटो जो मैंने डाली थी वो आपको यहाँ मिलेगी, जैसे मैंने कौन सी डाली थी, सेल्फी की डाली थी, तो इसमें देखो आप सेल्फी है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है इसमें, ये इसमें ये एक फोटो आ गई। तो इसका लिंक भी आपको शीट में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने शीट यहाँ से खोली रखी है, ये सेम शीट है, यहाँ पे देखो मैंने जो भी भरा है, जो भी जिस टाइम पे मैं भरूंगा वो टाइम यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से इसने टाइम स्टैम्प उठा लिया, मेरे सिस्टम में जो टाइम है वो यहाँ पे टाइम स्टैम्प इसने डाल दिया, यहाँ नाम आ गया, फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और ये एड्रेस वगैरह आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ भरा हुआ आपको दिख गया। तो जितने रेस्पॉन्स इसमें भरे जाएंगे वो सब लाइन बाय लाइन नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे नीचे जो है रेस्पॉन्स जनरेट होते जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो फोटो मैंने डाली थी वो आपको देखनी है, यहाँ आप क्लिक करोगे ये फोटो जो है उस फोल्डर से उठा के और आपको यहाँ पे सीधे दिखा देगा, तो आपको फोल्डर में भी जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से अपन एक सिंपल जो है वो गूगल फॉर्म जो है हम बना सकते हैं।
अब आप चाहते हो कि ये जो डेट का फॉर्मेट है ये 12-23 कुछ लिख के आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये 23-12 के फॉर्मेट में आए, तो इसकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। फाइल में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, ये यूनाइटेड स्टेट का फॉर्मेट है, ये मैं चाहता हूँ ये यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मेट में है, तो यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेट में इसको सेव एंड रीलोड कर लेता हूँ। तो ये यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेट जो है वो ये है 23/12/2022। तो इस तरीके से अपन यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग के और भी कई तरीके हैं, जब अपन गूगल सीट की जो है क्लासेस चालू करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस तरीके से आप 23/12 को आप 23 दिसंबर 2012 भी लिख सकते हो, किस तरीके से आप इसको जो है ये सेकेंड वाला पोर्शन हटा सकते हो। आप सिर्फ आपको 12 और 42 से मतलब है, तो सेकंड से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको भी हटा सकते हो। मार्जिन सेट करना, कलर वगैरह सब कुछ ऑटोमेशन, पूरा गूगल शीट ऑटोमेशन में जो अगली सीरीज आएगी उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो आज जो है मैंने आपको गूगल शीट, ये गूगल फॉर्म जो है वो बेसिक गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके गूगल शीट कैसे जनरेट करते हैं, ये मैंने आप आज के वीडियो में आपको बताया है। सो मैं मानता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाली सीरीज जो है वो आपको इतना ज्यादा ऑटोमेशन देने वाली है कि आप पूछो मत, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। सो मैंने आज जो है ये एक जो है सिंपल वीडियो मैंने कर लिया है। अगला जो अपना आएगा वो सेक्शन बेस्ड गूगल फॉर्म आएगा, जिसके अंदर आप सीखोगे कि जैसे मान लो आपको किसी पार्टी को ऑर्डर देना है, तो अब आपके पास 100 पार्टियां हैं और आपको कोई पीओ बनाना है, तो 100 पार्टियां हैं और 100 पार्टियों से आप 2000 आइटम्स मंगाते हो। सो अगर इस तरीके से आप गूगल फॉर्म बनाओगे तो उसमें ड्रॉप डाउन में उसको जो है ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा, सिंपल गूगल फॉर्म के जरिए वो नहीं बनेगा। सो आप उसको सेक्शन वाइज बनाओगे कि मैंने ये पार्टी सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ उससे रिलेटेड आइटम ही खुले, दूसरी पार्टी सिलेक्ट करूँ तो उससे रिलेटेड आइटम ही खुले, तीसरी पार्टी सिलेक्ट करूँ तो उससे रिलेटेड आइटम ही खुले। तो इस तरीके का गूगल फॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हो वो आने वाले जो अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन बेस्ड गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों।